नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैन्य कर्मियों, पेंशन भोगियों और उनके फैमिलीज के लिए बड़े दिनों बाद आई खुशी से चौंकाने वाली एक खबर, जिसको सुनकर फौजी व पेंशनर्स खुशी से हुए गदगद। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। दोस्तों, 3 अप्रैल 2018 को रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना और HDFC बैंक के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU यानी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए डिफेंस सैलरी पैकेज को लेकर। और इस वर्तमान समझौते में सैनिकों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर MOU साइन किया गया। उनको लाभ होगा जिनका अकाउंट HDFC बैंक के पास है। यहाँ पर सैन्य कर्मियों को फ्री व्यक्तिगत डेथ कवर 30 लाख रुपए मिलेगी, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर, और फ्री परमानेंट डिसेबिलिटी कवर 30 लाख रुपए मिलेगी, और दुर्घटना मामले में डिपेंडेंट बच्चों को फ्री एजुकेशनल कवर 1 लाख रुपए की 4 साल तक मिलती रहेगी। और दोस्तों, कार तथा हाउस लोन पर 100% प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, ये सारी सुविधाएं आपको जो AGI की तरफ से मिलती हैं उनसे अलग हैं, इनका किसी अन्य से कुछ लेना देना नहीं है। आज की इस महंगाई के दौर में और रिस्कों से भरपूर जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अगर आपकी लाइफ इंश्योर्ड है तो आपके बाद किसी आपातकाल की स्थिति में आपके अपनों की देखभाल के लिए यह धनराशि बहुत ही काम की है। तो दोस्तों, सैन्य कर्मियों के लिए, चाहे वे सेवारत हैं या सेवानिवृत्त, उनके लिए पर्सनल एक्सीडेंट एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के संदर्भ में 30 लाख रुपए के इंश्योरेंस की यह एक अच्छी सकारात्मक खबर है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।